नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, कर्ज में डूबी फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बुधवार 21 सितंबर को बताया है कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर कुल 15 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी एक सूचना में ये जानकारी दी है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने बताया कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर ब्याज देना था, लेकिन कंपनी अपने दायित्व का पालन करने में विफल रही। दोस्तों, ये जो डिबेंचर हैं वो सिक्योर्ड हैं और इन्हें सालाना 9.60% की कूपन दर पर जारी किया गया है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने 21 मार्च 2022 से 19 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए ब्याज भुगतान में चूक की है। जारी किए गए सिक्योरिटी की कुल राशि 350 करोड़ रुपए थी और जिस ग्रॉस प्रिंसिपल राशि पर चूक हुई है वो 327 करोड़ रुपए है। आपको ये भी बता दें कि कर्ज में डूबी फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए एनसीएलटी में 2 याचिका दाखिल की गई है। वहीं फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लेंडर ने फर्म का फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर भी नियुक्त किया है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने हाल के महीने में कई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर ब्याज के भुगतान में देरी की है, यानी कि डिफॉल्ट किया है और ये कंपनी के लिए काफी खराब बात है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एसेट को लीज पर देने और लॉजिस्टिक सेवाओं के कारोबार में लगी हुई है। दोस्तों, ये फ्यूचर ग्रुप के लिए रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करती, उनका ओनरशिप रखती और एसेट को लीज पर देती थी। फ्यूचर एंटरप्राइजेस बीमा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में मौजूद सब्सिडरी कंपनियों और जॉइंट वेंचर में फ्यूचर ग्रुप के निवेश को भी होल्ड करती है। हालांकि अभी के समय में कंपनी की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपने फ्यूचर एंटरप्राइजेस का कितना शेयर बाय करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।